ओके, तो लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड देखा था। आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करेंगे बाय एलजेब्रिक मेथड। और जो एलजेब्रिक मेथड में फर्स्ट मेथड है हमारे पास वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को देखने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, जिसमें मुझे दो इक्वेशन गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। एक तो इक्वेशन ये है मेरे पास, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 4x-3y इक्वल्स टू 26। 4x-3y इक्वल्स टू 26, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? तो आंसर है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट की जाएगी। इस बात का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, वाई को इधर ही रखा 3 और ये एक्स इधर लेकर आ गया ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, वाई को इधर रखा और एक्स को इधर लेकर आ गया। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। और जो वैल्यू मैंने निकाली है वो उठाकर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ये जो आपके पास जो वैल्यू निकालते हो ना, जैसे वाई इक्वल टू आपने निकाला, इसका भी कुछ इक्वेशन का नाम रख दिया करो, जैसे इसका नाम रख दो थर्ड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, पुटिंग, आप क्या करो, वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम थर्ड इंटू किस में रख रहे हो, सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। तो ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फिर से लिख लेता हूँ एक बार, 4x-3y इक्वल्स टू 26, इस तरह से थी, है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 तो ऐसे लिखा रहने दो और x भी ऐसे लिखा रहने दो, -3 भी ऐसे ही, ठीक है। ये जो y की वैल्यू थी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी उसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3-x, 3-x और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 26। फिर से हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसमें से हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू हमने कैसे निकाली, x को इधर लेकर आ गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3-x। ये वाई की वैल्यू उठाकर हमने यहां पर पुट कर दी। तो देखो 4x-3y इक्वल टू 26 चल रहा था, 4x ऐसे लिखा, 3 भी ऐसे लिखा, y की जगह हमने क्या लिख लिया, 3-x, ठीक है ना, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 26। तो यहां पर हमने y की वैल्यू, y की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दिया कुछ, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4x-3 का यहां मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, 9, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना आ जाएगा, 3x, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 26, ठीक है ना। तो 4x और 3x मिलकर कितना आ जाएगा, 7x इक्वल्स टू 26, ये 9 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। 4x और 3x मिलकर कितना हो गया, 7x, और 9 उधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब 26 और 9 ऐड करा लो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 35, और इधर क्या चल रहा है, 7x, 7 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये आप उठाकर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू उठाकर मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ x, है ना, इन कहाँ पर पढ़ रहे हैं, थर्ड वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमारी थर्ड वाली इक्वेशन है। तो वाई इक्वल्स टू क्या चल रहा था, 3-x, तो 3-, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5, तो यहाँ पर रख लो एक्स की वैल्यू 5, है ना। तो वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आंसर है ये बन जाएगा -2। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, वाई का आंसर, और ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, एक्स का आंसर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्यारे बच्चों हो जाएगा। तो फिर से कैसे करना है,
हमारे पास दो इक्वेशन हमें गिवन है, इसका नाम हमने रख दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम रख दिया सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ हमें किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी वाली इक्वेशन से निकालो, या ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसी वाली इक्वेशन से निकालो, आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को चूज किया और इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली का मतलब ये है कि एक वेरिएबल इधर रखो, बाकी सब कुछ उधर लेकर चले जाओ। तो मैंने y इधर रखा, बाकी सब कुछ इधर लेकर चला गया। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है 3-x, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, ठीक है ना। ये y की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाली है वो उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली और यहाँ पर y की जगह क्या लिख दिया, 3-x, ठीक है ना। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। तो इस मेथड को हम कहते हैं सब्सिट्यूशन, क्योंकि हमने क्या किया, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी किसी दूसरी वाली इक्वेशन में, तो इसलिए इसका नाम सब्सिट्यूशन मेथड रखा गया। तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, और दिखा देता हूँ आपको, सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। इसी तरह से इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, आपके सामने दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से चलिए वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं x इक्वल्स टू 3, ये y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 + y। इसका भी मैं कुछ और नाम रख देता हूँ, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठाकर मुझे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन को अगर आप चाहो तो पहले से थोड़ा सा उसको एलसीएम लेकर थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या बनेगा, इसका जो एलसीएम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 6, है ना, और 3 से 2, और यहाँ पर कितना आ गया हुआ, 2x, और 2 3 जा, और यहाँ पर कितना आ गया हुआ, 3y, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 6, है ना। ये इस तरह से आ जाएगा और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 3y इक्वल्स टू कितना, 36, है ना। ये आप इस इक्वेशन का नाम सेकंड इक्वेशन रख दो। तो फिर से हमें ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है और ये सेकंड इक्वेशन गिवन है। अब हमने सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख लिया, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके, अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन में से, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, कैसे निकाली, y इधर ले जाकर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, 3 + y। ये जो अब x की वैल्यू आई है इसको उठाकर इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इंटू, कहाँ पर पुट करोगे, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो पहले तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2x + 3y इक्वल टू कितना है, 36, है ना। तो 2 ऐसे ही ठीक है, x की जगह हमें क्या लिखना है, 3 + y। x का सब्सटीट्यूशन करा दो यहाँ पर, x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, 3 + y, और प्लस में क्या चल रहा है, 3y, और इक्वल टू में क्या, 36, इस तरह से चल रहा है। ओके, नाउ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा, 6 + 2y + 3y इक्वल्स टू कितना, 36, ये आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 2y और 3y मिलकर कितना हो जाएगा, ये 5y इक्वल्स टू 36 में से 6 जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 5y इक्वल्स टू इधर कितना बचा, 30, और 5 से डिवाइड करा दो इसको, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। तो ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया, y इक्वल्स टू 6। ओके, कैसे निकाला, बिल्कुल आसानी तरीके से, देखो फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और वो उठाकर सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दिया, 3 + y, है ना। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये जो y की वैल्यू उठाई आई है इसको उठाकर यहाँ पर रख दो थर्ड में, तो यहाँ पर क्या लिख लो, फ्रॉम थर्ड, क्या लिख लोगे, फ्रॉम थर्ड, थर्ड हमारे पास क्या था, x इक्वल टू 3 + y, तो 3 + y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6, है ना, y हमारे पास कितना है, 6,
तो x का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा इस तरह से। तो देखो कितना आसान वाला मेथड है। आपके पास दो इक्वेशन गिवन होती हैं, उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और उसको उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने से आपके पास एक वेरिएबल का आंसर आ जाता है, उस वेरिएबल का जो आंसर आया है उसको उठाकर थर्ड जो हम इक्वेशन जो बनाते हैं उसमें पुट कर दो, तो आपके पास दूसरे वाले वेरिएबल का भी आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये आसान वाले क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास 2x+3y=0, और दूसरी एक और इक्वेशन गिवन है वो है हमारे पास 3x+4y=5, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखो कितना आसान है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, 2x ऐसे ही लिखता हूँ इक्वल्स टू, ये 3y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का है ना, और 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3y/2। फिर से 2x ऐसे ही लिखा, 3y इधर लेकर आए तो कैसा हो गया, माइनस का 3y, और 2 कहाँ आ गया, डिवाइड में। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है ना। तो अब ये हमें क्या करना होगा, ये जो x की वैल्यू आई है इसे उठाकर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम कहाँ से, थर्ड में से कहाँ पर, इनटू सेकेंड, है ना, ऐसा करेंगे। तो ठीक है, पहले तो सेकेंड वाली इक्वेशन नोट कर लो, 3x+4y=5 ऐसे गिवन है। अब देखो 3 ऐसे ही ठीक है, x की क्या वैल्यू आई है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से, ये वैल्यू उठाकर हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास x की वैल्यू, माइनस का 3y/2 है ना, और प्लस में क्या चल रहा है, 4y, और इक्वल्स टू में कितना, 5, ऐसे चल रहा है। अब देखो कितना आसान है इसको करना, 3 × 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9y और अपॉन में क्या, 2, और प्लस में क्या चल रहा है, 4y और इक्वल्स टू में क्या, 5, ठीक है ना। क्या करा दिया, 3 × 3 - 9 आ गया है ना, और अपॉन में 2 चल ही रहा था। अब आपको क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा, तो इसके नीचे अपॉन में 1 लिख लो और अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा है ना। तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का 9y और प्लस 1 से 2, और 2 × 4 कितना, 8y, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 5, इस तरह से चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, ये 2 इधर आएगा तो 10 बना देगा इक्वल्स टू में, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल्स टू में 10, और माइनस का 9y और प्लस का 8y क्या आएगा, माइनस का y, या ये माइनस यहाँ की जगह यहाँ लिख लो तो कितना आ जाएगा, y=-10, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाई का आंसर आ गया हमारा। अब ये जो वाई का आंसर आया है, इस आंसर को बताइए कहाँ पुट करेंगे। तो आंसर है कि हम यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम इन जनरली करते क्या है कि जो हम थर्ड जो इक्वेशन बना लेते हैं अपनी, जिसमें हमने वैल्यू निकाली होती है, वहीं पर पुट कर दो तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अब क्या लिखोगे, फ्रॉम थर्ड, थर्ड वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x=-3y/2, तो माइनस का 3 ऐसी ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2, ठीक है। तो x=2, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 × 10 कितना, 30 है ना, ये कितना बन जाएगा, 30, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2। फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 10 कितना होगा, 30, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2, 2 से इसको कैंसिल करा दोगे कितना हो जाएगा, ये 50। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50, बिल्कुल आसान है ये तो, है ना। तो कैसे किया, फिर से ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो आप, जरूरी नहीं है कि यहीं से आप वैल्यू निकालो, आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते थे,
लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस इक्वेशन से निकालें तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। और वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि छोटा करना है या फिर बड़ा क्वेश्चन बड़े तरीके से करना है, वैसा कोई रूल नहीं है। आपको जैसा ठीक लगता हो वैसे करो। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से 2x की वैल्यू निकाल, 2x इधर ही रखा, 3y इधर लेकर आ गया और 2 को डिवाइड में लेकर आ गया, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पर y की वैल्यू भी निकाल सकता था, है ना। वो कैसे निकलती, इस 2x को इधर लेकर आते तो माइनस का 2x हो जाता और 3 डिवाइड में आ जाता, तो किसकी वैल्यू निकल जाती, y की, और वो y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देते। अब यहाँ x की वैल्यू निकाल लिए तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते तो y की वैल्यू पुट कर देते। तो अभी फिलहाल हमने x की वैल्यू निकाली है तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी x की जगह, है ना। फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त जो खास बात ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर एलसीएम लेना मत भूल जाना, यहाँ पर एलसीएम लेना है। पहले तो 3 × 3 यहाँ पर करा दोगे, माइनस का 9y/2 और प्लस में क्या चल रहा है, 4y। तो ये 2 डायरेक्ट इधर मत लेकर चले जाना, है ना। क्या करना है, एलसीएम ले लेना, और एलसीएम लेने के बाद फिर इसको सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। वो जो वाई का आंसर आया वो उठाकर यहाँ पर पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। अब देखिए इसी तरह से एक और आसान वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 4। तो इसमें आपको दो इक्वेशन गिवन है, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x इधर ऐसे ही लिखते हैं इक्वल्स टू 13 ऐसे ही, ठीक है। ये 3y इधर लेकर आ जाते हैं तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, है ना। 3y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पर एक काम और कर लो आप, ये जो 2 है यहाँ से उठाकर इसके नीचे लिख लो ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। फिर से 3y इधर आया तो प्लस का, और 2 कहाँ पर लेकर आ गए, डिवाइड में। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और ये x की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड, थर्ड इक्वेशन से कहाँ पर रखोगे, इनटू सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। पुट करा दो, पहले तो सेकंड इक्वेशन लिख लो, क्या है हमारे पास, 7x-2y=20, ये इक्वेशन है, ठीक है। 7 तो ऐसे ही लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13+3y और अपॉन में क्या, 2, ठीक है ना। ये हमारे पास x की वैल्यू है, और माइनस में क्या चल रहा है, 2y, और इक्वल्स टू में क्या, 20, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3y इधर लेकर आ गए, प्लस का हो गया और 2 डिवाइड में लेकर आ गए, तो ये किसकी वैल्यू आ गई थी, x की। ये x की वैल्यू उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। तो x की जगह ये पुट कर दिया, ये माइनस का 2y ऐसे ही ठीक है और 20 भी ऐसे ही ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पर पहले तो 7 का अंदर मल्टीप्लाई करा लोगे, ठीक है ना, और फिर एलसीएम लेना है आपको। तो 7 से अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये कितना आ जाएगा, 91+7 × 3 कितना आ जाएगा, 21y, है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2, और यहाँ माइनस का 2y और इक्वल्स टू 20। तो मैंने आपसे कहा था कि आप ये बात ध्यान रखना कि पहले यहाँ पर एलसीएम लेना होता है, फिर इसके बाद इस 2 को उधर ले जा सकते हो, है ना। तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 एलसीएम में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, 91+21y-, अब 1 से 2 और 2 × 2 = 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4y और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 20, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इधर तो 40 बना देगा, और इधर 21 में से 4 माइनस करा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चलेगा वो यहाँ लिख लेते हैं, 91 और प्लस ये आ जाएगा 17, है ना, वाई, 21-4 कितना, 17y, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। फिर से 21 में से 4y माइनस करेंगे तो 17y, और प्लस में क्या चल रहा है, 91, और 2 × 20 कितना आ गया, 40, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, 17y ऐसे ही ठीक है, 40, ये 91 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। अब
17 वाई ऐसे ही ठीक है, और 91 में से क्या करोगे 40 माइनस करा लो, तो 91 माइनस 40 आप जब कराओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 51 है ना, तो y इक्वल्स टू माइनस 51 अपॉन 17, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है इसको करना। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू माइनस 3 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू आई है माइनस 3, इसको उठाकर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे फ्रॉम थर्ड, क्या लिखोगे फ्रॉम थर्ड, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 13 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी माइनस 3 अपॉन 2। फिर से x की x इक्वल टू क्या चल रहा था, 13 प्लस 3y अपॉन 2 चल रहा था, तो 13 प्लस 3 y की वैल्यू कितनी आई है माइनस 3, वो यहाँ पर रख दिया और अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा 13 माइनस 9 और अपॉन में क्या 2, तो ये 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4 और अपॉन में 2 है ना, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। तो ये है एक आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कैसे किया, दो इक्वेशन गिवन थी, इनमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली, कैसे निकाली 3y उधर ले गए और फिर 2 डिवाइड में लेकर आ गए। ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू उठाकर इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दिया, देखो ये है ना, और माइनस का 2y और इक्वल टू 20 ऐसे लिखा रहा। फिर इसके बाद 7 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसके नीचे अपॉन में 1 लिखकर एलसीएम ले लो, सॉल्व करो y की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से जो y की वैल्यू आएगी है ना, ये जो y इक्वल टू माइनस 3 आया है ना, ये y की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान। एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर है 5। 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल्स टू 0, और दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इस तरह के हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ओके। नाउ इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखिए 3x इक्वल्स टू, एक्स वाला टर्म मैंने इधर रखा है, बाकी सब उधर ले जा रहा हूँ, तो 5y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और 19 भी इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना, 5y इधर आकर प्लस हो गया, 19 भी इधर आकर प्लस हो गया। नाउ x इक्वल्स टू 5y प्लस 19 और अपॉन में क्या 3, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन बन गई है ना। हालांकि ये फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर थर्ड इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इंटू सेकेंड, है ना, थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। तो सेकेंड वाली इक्वेशन है क्या हमारे पास, माइनस का 7x प्लस का 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसे है, तो माइनस 7 ऐसी ठीक है, x की ये कंप्लीट वैल्यू है ना, क्या है 5y प्लस 19 और अपॉन में क्या 3, और प्लस में क्या चल रहा है 3y और प्लस का 1 है वो उधर ले जाकर लिख लो चाहो तो माइनस 1 है ना, ये 1 उधर ले जाकर लिख लो तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार बता देता हूँ क्या किया मैंने, माइनस का 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 चल रहा था, यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है ये उठाकर यहाँ पर x की जगह लिख दिया, बाकी 3y ऐसे ही लिखा है, अभी इस 1 को उधर ले जाकर लिख दिया है मैंने, है ना। तो इसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कराना है अंदर, 7 का मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, तो 7 का मल्टीप्लाई इस यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 35y है ना, 7 इंटू 5 माइनस 35y आ जाएगा, और माइनस 7 इंटू 19 तो ये कितना बनेगा माइनस का 133 और अपॉन में क्या चल रहा है 3 और प्लस में इधर क्या है 3y और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है माइनस 1, ओके।
अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होता है। तो आंसर है कि यहाँ पर इसके नीचे अपॉन में वन लिख लेंगे और अब इसका एलसीएम लेंगे, है ना। तो इसका एलसीएम क्या है, कितना आएगा, थ्री इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो माइनस का 133 ऐसे ही, ठीक है। और 1 से डिवाइड कराओगे 3 और 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 प्लस का 9y, है ना ये। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, -1। ओके, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कैसे बनेगा, -3 तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, माइनस का 3, है ना। और माइनस का 133 ऐसे ही लिख लो, और माइनस का 35 और प्लस का 9, ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 26y, कितना बन जाएगा, माइनस का 26y बन जाएगा। ओके, अब माइनस का 26y ऐसे ही, ठीक है, इक्वल्स टू 133 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और माइनस में क्या चल रहा है, 3। ओके, तो अब ये कितना बनेगा हमारे पास, 130, कितना बन जाएगा, 130, और y ऐसे ही, ठीक है, और ये माइनस का 26 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा, माइनस का 26 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद माइनस 26 से इसको डिवाइड करा दो, तो डिवाइड कराने पर कितना आंसर बनेगा, तो डिवाइड कराने पर 5 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 26 से ये 5 टाइम, तो माइनस का 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू। ओके, ये बिल्कुल आसान है। अब ये जो वाई की वैल्यू आई है, इसको उठाकर कहाँ पुट करोगे, थर्ड वाली इक्वेशन में। तो एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे, -5, है ना, और प्लस 19 और अपॉन में क्या, 3। इसको सॉल्व कर लो, तो -5 और 5 मिलकर कितना, माइनस का 25 प्लस 19 और होल के नीचे अपॉन में 3। ओके, अब -25 और प्लस का 19 कितना, माइनस का 6 अपॉन 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे किया, फिर से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कैसे, ये माइनस का 5 बाई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 19 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान है ये तो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद x की जो जो वैल्यू आई है, इसको उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर रख ली। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने क्या करिया, -7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दिया, -7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दिया, अपॉन में 3 चल रहा है, ये 1 इधर ले जाकर लिख लिया था, और 3y के नीचे अपॉन में 1 लिख लिया हमने, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लोगे, थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करोगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को उठाकर थर्ड वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दोगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी, -2। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे कुछ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में मैं आपको एल्जेब्रिक का दूसरा जो मेथड है वो आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी तक जो हमारे पास जो मेथड, हमने जो 5 क्वेश्चन किए हैं, ये 5 क्वेश्चन हमने किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। और दूसरा एक और नया मेथड अब हम पढ़ लेते हैं, उसका नाम होगा एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में, है ना। तो 1-5 हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब मैं 6-10 तक अब आपको एलिमिनेशन मेथड करके दिखाता हूँ। और फिर इसके बाद जब हम 10 क्वेश्चन कर चुके होंगे, मतलब 5-5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच मेथड, तो उसके बाद फिर आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो फिर हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देख लेंगे कि हमें कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड दिखाता हूँ, तो अब इसके लिए ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर।